नगर के दोनों व्यापार मंडल के अध्यक्ष व्यापारियों के साथ भावाधस कार्यालय पर पहुंचकर दलित युवक के हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर समर्थन दिया। इसमें व्यापार मंडल अध्यक्ष गौरव चौहान और संजीव सिंघल सहित व्यापारी मुख्तियार सैफी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान सहित नगर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता और संभ्रात लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अपना समर्थन देते हुए कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तब तक नगर के व्यापारी अपने दुकानें बंद रखेंगे। साथ ही कहा जब तक नगर और देहात में नशे के कारोबार बंद नहीं होंगे तब तक ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी। वहीं पुलिस प्रशासन नशे के कारोबार को बंद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। वहीं लघु उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष गौरव चौहान ने चेतावनी देते हुए कहा कि सोमवार की शाम तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह दलित परिवार के साथ सड़कों पर उतरकर व्यापारी आंदोलन को बाध्य होंगे। साथ ही बैठक में भावादश के राष्ट्रीय संरक्षक राकेश दानव ने कहा कि अगर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो वह मजबूरन प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे। वहीं बैठक में राकेश दानव, राकेश हमराही, मुकेश चौधरी, सुभाष सिंह आदि दलित समाज के लोग और व्यापारी मौजूद रहे।